हेलो, मेरा नाम है अब्दुल गनी और आप देख रहे हैं डब्ल्यू एच सोल्यूशन। इंडियन कंपनी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है भीम, भारतीय इंटरफेस फॉर मनी, जो कि यह है यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन। ये ऐप जो है यूपीआई की तरह ही काम करता है। इस ऐप के जरिए आप बड़ी आसानी से पैसे लेन देन कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, पैसे मंगवा भी सकते हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल नंबर की बेस पे। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, अब लाइक जो बैंक अकाउंट नंबर होता है और आईएफएससी कोड या फिर कोई भी पिन, आपको कुछ नहीं शेयर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आपके जो बैंक अकाउंट है उसके साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट के साथ आपका जो फोन नंबर है वो लिंक है, तब जाकर अब ये ऐप जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये ऐप जो है कैसे काम करते हैं, एंड देन इसका जो अकाउंट है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप डब्ल्यू एच सॉल्यूशन चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर वीडियो की राइट साइड में जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन कीजिए अपना प्ले स्टोर। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो प्ले स्टोर है ये ओपन हो गया है। तो सिंपली आप सर्च कीजिए भीम, उसके बाद सिंपली इसको सर्च कर दीजिए, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं भीम ऐप जो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के जरिए रिलीज किया गया है। तो भीम ऐप जो है उसका सिंपली आप इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप का जो साइज है बहुत ही छोटा साइज है, 1.90 MB का है, तो बड़ी आसानी से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है, तो सिंपली मैं इसको ओपन कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये जो भीम ऐप है, भारतीय इंटरफेस फॉर मनी ऐप जो है ये खुल चुका है। यहाँ पे दो लैंग्वेजेस है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। सिंपली उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, एंड देन सिंपली उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो ऐप है यूपीआई बेस्ड ऐप है और ये जो 24 आवर्स जो है ये डायरेक्टली अकाउंट के साथ आप लेन देन कर सकते हैं। कोई भी वॉलेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका जो अकाउंट पे ही क्रेडिट होगा और आपका अकाउंट से ही बैलेंस कटा जाएगा। सिंपली नेक्स्ट पर टच कर दीजिए, एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिम वेरीफाई, तो सिंपली मैं BSNL मोबाइल जो मेरा फोन नंबर है तो उसके ऊपर सिलेक्ट किया। अगर आपके पास दो सिम नंबर है तो आपको चूज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो आप सिंपली एक के ऊपर टच करके नेक्स्ट कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं कह रहा है कि प्लीज वेट, आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो रहा है। मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि आप एक पिन चूज कीजिए, जो कि आपका जो ट्रांजेक्शन है आप किसी को मनी सेंड करेंगे उसके ऊपर आपका ये पिन कोड है, ये पिन कोड काम में आएगा। तो सिंपली मैं एक पिन कोड चूज कर लेता हूँ। सिंपली उसके बाद वेरीफाई कंफर्म कर दीजिए और एक बार डालकर, और ये देखिए मेरा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। तो सिंपली आपका जो जिस बैंक के ऊपर अकाउंट है उस बैंक को आप चूज कर लीजिए। लगभग सभी जो बैंक है ये सपोर्ट करता है। तो चलिए मेरा जो बैंक है वो है स्टेट बैंक। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो SBI अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दी गई है, तो किसी को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, प्रोफाइल दिया हुआ है, बैंक अकाउंट की डिटेल दिया हुआ है, और यहाँ पे है स्कैन एंड पे दिया गया है। अब सेंड पर टच कीजिए, एंड देन जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं उसका जो फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उस फ़ोन नंबर डालने के बाद आप जो वेरीफाई कांटेक्ट कीजिए, आप वो फ़ोन नंबर यूज़ कीजिए जिस फ़ोन नंबर पे ऑलरेडी अकाउंट है भीम ऐप के ऊपर, और उसके बाद आप इन अमाउंट चूज़ कीजिए, एंड देन आप यहाँ पे आपका जो UPI पिन है वो आप इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आप पेशेंट रखिए, आपका जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सीख लिए हैं कि भीम ऐप जो है कैसे यूज किया जा सकता है।
आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रांजेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ ये जल्द में फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।